दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी इंडस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा है, जिसमें जहां हमें कई दमदार अभिनेता और अभिनेत्रियां देखने को मिली है, तो वहीं इस शो के जरिए कई बाल कलाकारों ने भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, जिसकी वजह से दर्शकों ने उनकी क्यूटनेस और मासूमियत पर फिदा होकर उन्हें खूब प्यार दिया है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, इस शो में नजर आ चुके बाल कलाकार आज काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, जो कि वक्त के साथ इतने बदल गए हैं कि उन्हें पहली नजर में देखकर पहचानना मुश्किल है। और इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको शो में नजर आ चुके कुछ बाल कलाकारों के आज से ही रूबरू कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं। नंबर एक अशनूर कौर, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है अशनूर कौर का, जो कि इस शो में छोटी सी नायरा की भूमिका में नजर आई थी, जिसमें इनकी क्यूटनेस ने हर किसी को दीवाना बनाया था। बता दें छोटी सी अशनूर आज 18 साल की हो चुकी है और इसी के चलते आज वे पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। इसी के साथ ही थोड़ी सी मोटी भी हो चुकी है, पर इन्होंने समय के साथ खुद को काफी ज्यादा गॉर्जियस बना दिया। बता दें कि आज वे अपनी लाइफ में सिंगल है और फिलहाल अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रही है, जिन्होंने अपना एक्टिंग करियर अभी भी बरकरार रखा है और जिन्हें कुछ समय पहले ही वेब सीरीज परी हूं मैं में देखा गया है। नंबर दो आर्ना शर्मा, शो में मस्ती के रूप में नजर आने वाली आर्ना शर्मा भी अपनी मासूमियत से लोगों को दीवाना बनाती नजर आई थी, जिसकी वजह से लोग इन्हें आज काफी याद करते हैं। वहीं बात करें इनके आज की, तो बता दें आज काफी बड़ी हो चुकी है, जो कि शो में जहां काफी प्यारी प्यारी ड्रेसेस और हेयर स्टाइल में बहुत क्यूट नजर आती है, वहीं अब ये बहुत ज्यादा ग्लैमरस हो चुकी है, जो कि बेहद मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े कैरी करती है। इसी के साथ ही बता दें ये आज सिंगल है और मुंबई में ही अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए अपने करियर पर फोकस कर रही है। नंबर तीन शुभ और श्रेष्ठ, शो में कार्तिक के छोटे भाई लवकुश के रूप में नजर आने वाले शुभ और श्रेष्ठ की हमारी लिस्ट में नंबर शुमार है। बता दें इनके आज की बात करें तो अब लंबे घुंघराले बालों और तरह तरह के स्टाइलिश कपड़ों में नजर आने वाले दोनों ही बाल कलाकार आज काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही अब और भी ज्यादा स्टाइलिश कपड़े और हेयर स्टाइल कैरी करते हैं, जिसमें इनका अंदाज पहले से काफी क्यूट हो चुका है। बता दें दोनों आज भी अपने करियर को जारी रखे हुए, जिन्हें कुछ समय पहले बालवीर रिटर्न्स में देखा गया था। नंबर चार शिवांश कोटिया, शो में छोटे नक्श की भूमिका निभाने वाले शिवांश ने अपने अंदाज से लोगों का खूब दिल जीता था। वही बात करें इनके आज की, तो बता दें आज ये 16 साल के हो चुके हैं, जिसके चलते जहां अपने टीवी शोज में छोटे से गोलू मोलू और क्यूट अंदाज में देखे जाते थे, तो वहीं अब इनके चेहरे से मासूमियत गायब हो चुकी है और अब ये पहले से हैंडसम नजर आते हैं, जिनके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी भी आने लगी है। बता दें आज ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं, जहां रहते हुए एक्टिंग की दुनिया से दूर ही अपने पढ़ाई पर फोकस बनाए हुए है। नंबर पांच तन्मय शाह, शो में नायरा और कार्तिक के बेटे कायरव के रूप में नजर आने वाले तन्मय लिस्ट में आखिरी नंबर पर है। शो में इन्होंने भी अपने क्यूट से हेयर स्टाइल कपड़ों और मासूमियत भरे अंदाज से लोगों को इम्प्रेस किया था। वहीं अगर बात करें इनके आज की, तो बता दें 8 साल के ये हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब जहां हाइट में काफी बड़े हो गए हैं, तो वहीं अब पहले से और भी ज्यादा गोल मटोल हो गए हैं, मगर आज भी ये पहले की तरह काफी क्यूट नजर आते हैं। साथ ही बता दें इन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है और जल्द ही स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में नजर आ चुके हैं बाल कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।